मैथ्स की कैलकुलेशन का कितना अहम रोल है ये आप जान चुके हैं, और आप अभी किसी भी डिजिट 5 से एंड करता हो तो उसका कैसे सॉल्व करना है, कैसे टाइम में कम समय में बनाना है, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, आपका एक मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये तो 5 है, यदि 5 ना हो तो क्या करेंगे। चलिए हम आपके सवाल को भी दूर करते हैं। अगर कोई डिजिट 5 से एंड नहीं करता हो, किसी और से करता हो, यानी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो उस स्थिति में क्या करेंगे। चलिए एक नई टेक्निक बताते हैं। कोई भी नियर बाई 50 जिसमें 5 ना हो, क्या बोला मैंने, नियर बाई 50 कोई भी डिजिट लीजिए जिसमें 5 ना हो। एग्जाम्पल के लिए 56, 49, 57, 48, 43, 54, कुछ इस तरह का डिजिट ले। आप देख रहे हैं ये सभी डिजिट में 5 नहीं है। अब सवाल उठता है कि इसमें ऐसा क्या करें। आप सभी देखें नियर बाई 50 है, नियर बाई 50 में सॉल्व करने के लिए पहले क्या करें कि एक फिक्स डिजिट लें 25। क्या लेना है आपको, फिक्स डिजिट लेना है, वो है 25। चलिए बताइए सॉल्व किसे करें, ऊपर से या नीचे से। चलिए मान लेते हैं कि हम यहां से सॉल्व करते हैं, तो 54 54 50 से कंपेयर कीजिए, आपको क्या मिल रहा है, अधिक या कम। यदि अधिक मिल रहा है तो आप प्लस करें। यहां देखें 43 50 से कंपेयर किया, 50 के नियर बाई तो है बट क्या है, कम है, तो उस स्थिति में माइनस करिएगा। अब कितना प्लस करना है कितना माइनस करना है, ये सवाल उठता है। तो 54 50 से कितना अधिक है, 4, तो प्लस 4 करेंगे। यहां पे आ जाइए 43 50 से कितना कम है, 7, तो यहां पे माइनस 7 करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया है कि जितना अधिक या जितना कम है, जितना अधिक या जितना कम है उस डिजिट को लिख दीजिए, उसके बाद उसी डिजिट का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसी डिजिट का स्क्वायर करना है, समझ में आ रहा है। चलिए सॉल्व करें, पहले आप इसको सॉल्व करिएगा, सेकेंड स्टेप में इसको सॉल्व करिएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 54 प्लस में था, माइनस यहां से हटा देते हैं क्योंकि हमारा 54 अधिक है 50 से, तो कितना हो गया 29। पहला स्टेप क्लियर। इसके बाद इस डिजिट को स्क्वायर कीजिए तो कितना हो गया 16, तो आंसर इज व्हाट 2916, 2916। समझ में आया आपको, नहीं आया कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूं, और जब तक सवाल आप कीजिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए, अदरवाइज फिर मेरा क्या रोल होगा। यहां देखिए फिर दोबारा मैंने बोला कि कोई भी डिजिट नियर बाई 50 हो, कोई भी डिजिट नियर बाई 50 हो उसकी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। उस स्क्वायर के लिए मैंने बोला 25 कोई एक फिक्स डिजिट लेंगे, 25 क्या लेना आपको, फिक्स डिजिट, और उसके बाद जो डिजिट का निकालना है, जैसे मान लिया जाए कि 56 निकालना है, तो 56 नियर बाई किसका है, 50 का, यह हमें समझ में आ गया। अब यह देखना है अधिक है या कम, यदि अधिक है तो प्लस करेंगे और कम है तो माइनस करेंगे। तो अब ये देखिए 25 आपने फिक्स लिया तो अधिक कितना है, प्लस 6। फिर क्या बोला था, जितना अधिक है या कम है उसी डिजिट को क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो कितना अधिक है, 6, तो 6 का स्क्वायर किया तो क्या हुआ। अब मैंने क्या बोला, पहले इसको सॉल्व करना है और दूसरे स्टेप में इसको सॉल्व करना है, गेटिंग। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या हुआ 25 और 6 31, गेटिंग। अब इसको स्क्वायर कीजिए 6 का, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, क्या बात है, आंसर इज व्हाट 3136। आई होप कि एक समझ में आया है, यदि नहीं आया तो फिर एक एग्जांपल लेते हैं। अब माइनस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, माइनस में क्या है,
42 एग्जांपल के लिए तौर पे लेते हैं, 42 हमने क्या बोला, 42 ये समझ में आ रहा है कि नियर बाय 50 है, ये भी समझ में आ रहा है कि 50 से कम है, तो 25 हमारा बेस होगा, ये तो लेना ही लेना है, कितना कम है -2, तो -2 करेंगे। फिर हमने क्या बोला, उसी डिजिट को स्क्वायर करिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 23, और इसको स्क्वायर किया कितना हुआ 4। अब सवाल उठता है क्या आंसर हमारा 2, 3, 4 है, नहीं। जब इस डिजिट को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पे हमेशा 2 डिजिट आना चाहिए, कितना आना चाहिए 2 डिजिट। यदि 2 डिजिट नहीं आता है तो क्या करें, क्योंकि यहां तो 1 डिजिट मिला, तो उस स्थिति में आप 0 फुट करें। सवाल ये उठता है कि 0 पहले लगाएं या बाद में। अब ये देखिए, अगर 4 के बाद में 0 लगाएंगे तो आंसर इज व्हाट 14, लेकिन 4 के पहले 0 लगाते हैं तो आंसर इज व्हाट 4। इट मींस हमें 0 कहां लगाना है, 4 के पहले, तो आंसर इज व्हाट 2, 3, 0, 4। समझ में आया नहीं आया, चलिए कुछ प्रैक्टिस कीजिए। आपका टाइमिंग है 3 सेकेंड, मैक्सिमम कितना देना है आपको 3 सेकेंड में, एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है और अभी करना है, रेडी हैं आप, चलिए बताइए 49, गुड 49, आंसर इज व्हाट 25 माइनस 1, आंसर इज व्हाट 24, एंड 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो आंसर क्या होगा 2401, 2401। आइए 57 बताइए जल्दी सर, 57 कितना होगा, क्या करना है आपको 25 प्लस 7 और 7 का स्क्वायर, दैट इज द आंसर, गेटिंग। आप वही काम करिए, किसी को कैलकुलेटर दीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, और आपका टाइमिंग 2 से 3 सेकेंड में होना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम कैलकुलेशन में नहीं आएगा। और अब मुझे उम्मीद है कि इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आप इस ट्रिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब 50 के बाद क्या होगा, क्या रियल 50 तक ही क्वेश्चन आएगा, नहीं ना, नेक्स्ट देखते हैं।